आज के इस वीडियो में हम होम मेनू के जो ऑप्शंस बचे हुए हैं वो सारे ऑप्शंस को आज कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, और अगर आपने होम मेनू के पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें। ओके, और चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं होम मेनू के सारे ऑप्शंस कवर करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और ये जो भी ऑप्शंस मैं अभी बताने वाला हूँ वो आगे जो भी फॉर्मेट्स हम करेंगे एक्सेल में और बहुत सारे ऑप्शंस को जो हम देखेंगे, तो इन ऑप्शंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आगे जाकर मोस्टली यूज होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली यूज होने वाले। तो सारे ऑप्शंस का बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्लिपबोर्ड ऑप्शन देखा था, देन फॉन्ट ऑप्शन हमने पढ़ा, अलाइनमेंट ऑप्शन को देखा और नंबर ऑप्शन को देखा। ये सारे ऑप्शंस हमने कवर किए थे होम मेन्यू में। ओके, देन हम लोग पार्ट टू में कवर करेंगे स्टाइल्स को, सेल्स को और एडिटिंग को। तो ये बहुत ही बड़े ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा यूजेबल है एक्सेल में। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने अटेंडेंस शीट में आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दिया था ए और पी को हाईलाइट करके, बट आज हम पूरे डिटेल्स में सारे ऑप्शंस को देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली किस किस चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली होता क्या है, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप किसी भी सेल को आप हाईलाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। सपोज मैंने कंडीशन दिया कि मुझे 90 प्लस जितने भी नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करना है रेड कलर से, तो आप वो कर सकते हैं। मैंने एक कंडीशन दिया कि 33 से बिलो जो भी मार्क्स लाया उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दे, तो हम वो कर सकते हैं। सपोज आपके पास बहुत सारे इम्प्लॉयज का नेम है, मैं चाहता हूँ अमन के नेम से जितने भी इम्प्लॉयज मेरे कंपनीज या मेरे बिजनेस में हैं वो सारे को मैं हाईलाइट कर दूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड, यानी कि आप नेम, आप कोई अल्फ़ाबेट, आप कोई कैरेक्टर, आप कोई नंबर, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस पे आप सेल को किसी डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शंस क्या है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल बेसिकली सेल को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। देन पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन मीन्स कि अगर आप जो वैल्यू कंडीशन में देंगे उससे हाईएस्ट वैल्यू को ये सेलेक्ट करके हाईलाइट करेगा। ओके, देन हम लोग ग्रेटर देन में जाएंगे। ग्रेटर देन में जैसे ही हम जाएंगे तो कुछ वैल्यू जो होते हैं वो ऑटोमेटिक पुट हो जाते हैं उसमें, तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। चलिए मेरा कंडीशन है कि 90 से अबव जितने भी नंबर्स है वो हाईलाइट हो। ओके, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 90। जैसे ही मैंने 90 टाइप किया तो देखिए यहाँ पर 90 से अबव जितने भी नंबर है वो रेड कलर से हाईलाइट हुए। तो बेसिकली इसमें दो कलर होता है, एक को बोलते हैं फील कलर, एक को बोलते हैं टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे फील जो कलर है वो लाइट रेड है और जो टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा मरून, थोड़ा डार्क रेड है। ओके, देन हम लोग इसको लिख के ओके कर दिए, तो ये मेरा रेड कलर से हाईलाइट हो गया। देन सिमिलरली हम लोग अगेन उस ऑप्शन पे गए और अब हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे नंबर को हाईलाइट करें। सपोज मैंने कंडीशन दिया कि मुझे 75 से अब जो है वो हाईलाइट करना, तो जैसे ही मैंने 75 लिखा वो हाईलाइट हो गया। देन मैं इसका कलर को यहाँ से स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि आपको किस कलर से उस ऑप्शन को, उस सेल को हाईलाइट करना है जो आपके कंडीशन से मैच करेगा, जो आपके कंडीशन पे फुलफिल करेगा। तो आप यहाँ से कलर सिक्वेंस चेंज कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से कोई कलर स्पेसिफाई करूँ कि मैं बैकग्राउंड रेड रखना चाहता हूँ और टेक्स्ट कलर वाइट रखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, अपने कंडीशंस को लिख दीजिए। जैसे मैं फिर से इसमें कंडीशन देता हूँ 80। ओके, और मुझे 80 वाले को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना है जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कस्टम फॉर्मेट में चला जाऊँगा। कस्टम फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा फॉन्ट का, एक ऑप्शन होगा फील का। ये दोनों ऑप्शन को आपको चेंज करना है। तो फील ऑप्शन इट मींस कि सेल के बैकग्राउंड में जो आपको कलर दिख रहा है वो फील ऑप्शन है। देन मैं फील में ये आपको ग्रीन कलर चूज करूंगा। ओके, तो ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया। आप कोई भी कलर यहाँ से यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। देन मैंने ग्रीन लिया। देन फॉन्ट ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो फॉन्ट में यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन होता है, ये टेक्स्ट का कलर है, इट मींस जो नंबर टाइप किए हुए उसका कलर को क्या रखना है, तो मुझे उसका कलर व्हाइट रखना है। देन आप फील में जाएंगे, यहाँ से फील का कलर, फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट का कलर, देन आप ओके करेंगे। ओके,
देन अगेन ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, देखिए ये मेरे कलर के बेसिस पे आपके कंडीशंस को हाईलाइट कर दिया, कंडीशन वाले सेल को हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन वाले से हाईलाइट कर सकते हो। तो मैंने ग्रेटर देन में 90 अबव को हाईलाइट किया। देन अगेन मैं जाऊंगा लेस देन ऑप्शन पे। लेस देन मींस कि जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा उससे कम वाले वैल्यू को हाईलाइट करेगा, जिस सेल में भी उससे कम वाला वैल्यूज होगा। तो सपोज मुझे 50 से लेस वाले को सारे को हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे 50 पुट किया। देन अगेन मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, मुझे अगर खुद से कस्टमाइज कलर चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट में चले जाऊंगा। कस्टम फॉर्मेट में दो चीजों को मुझे स्पेसिफाई करना है, देन फॉन्ट और फिल। तो इस बार मैं फिल को रेड लूंगा और फॉन्ट का कलर मैं अगेन व्हाइट लूंगा। ओके देन ओके कर दिया। तो इस तरह से आपके कलर के बेसिस पे ये आपके कंडीशंस वाले सेल को हाईलाइट कर दिया। देन अब बच गए 50 से अबव और 80 से बिलो। देन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। आपके पास बिटवीन ऑप्शन होता है। बिटवीन मींस कि दो वैल्यू के बीच का जो भी नंबर होगा वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। देन बिटवीन ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। देन मुझे 50 से स्टार्ट करना है और 50 to 80। ओके देन 50 to 80 मैंने लिया। देन अगेन मैं जाऊंगा ऑप्शन पे, यहाँ से आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर आपको खुद से कलर चूज करना है। तो कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में आपके पास फॉन्ट ऑप्शन अवेलेबल है। देन इस बार मैं फॉन्ट का कलर अगेन व्हाइट लूंगा और फिल कलर में लाइट ब्लू लूंगा। देन ओके कर दिया, सियान कलर बोलते हैं इसको, ओके कर दीजिए। तो इस तरह से मैं डिफरेंट कलर से अपने सेल को हाईलाइट कर सकता हूँ, डिफरेंट पर्पस के लिए जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके ताकि आपको कलर देख के डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या क्या ऑप्शन है इसमें। देन ऑप्शन है आपके पास इक्वल टू का। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर करने के लिए आपको फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेटिंग में ही जाना है। देन यहाँ पे क्लियर रूल का ऑप्शन आएगा, क्लियर फ्रॉम एंटायर, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड। तो जितना सेलेक्टेड है उसमें हटाना है, तो आप सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड, और इंटायर मीन्स की जो सेलेक्टेड है या अनसेलेक्टेड है पूरे शीट में से सबको रिमूव कर लेता। अभी फिलहाल तो मुझे सबको रिमूव करना है तो मैं इंटायर ले लेता हूँ। ओके देन मुझे नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू मीन्स की एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू। ग्रेटर देन में जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो उससे ज्यादा का जितना भी वैल्यूज होता है वो सबको हाईलाइट करता है। लेस देन में हम जो वैल्यू देते हैं उससे कम वाले जितने भी वैल्यूज होते हैं सारे हाईलाइट होते हैं, और बिटवीन में हम लोग दो नंबर के बीच के सारे वैल्यूज को हाईलाइट करते हैं। लेकिन इक्वल टू में एग्जैक्ट वैल्यू होता है। इट मीन्स कि अगर हम इक्वल टू में 100 लिखेंगे तो जितने भी सेल्स में 100 होगा वही हाईलाइट होगा। अगर हम 95 लिखते हैं तो 95 होगा, वही हाईलाइट होगा। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए इक्वल टू का यूज करते हैं। तो इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे, देन सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 95, तो 95 अवेलेबल नहीं है तो हाईलाइट करके शो नहीं कर रहा है प्रीव्यू। हम 97 लिखते हैं। ओके 97, तो 97 एक है यहाँ पे हाईलाइट हुआ। देन दूसरा नंबर लेता हूँ जो रिपीट है। देन मैंने 58 लिखा तो देखिए तीन जगह हाईलाइट हुआ। तो इस तरह से आप किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को मल्टीपल, अगर वो किसी प्लेस पर है या फिर आपको चेक करना है कि ये नंबर कितने टाइम्स आया है तो उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज आपको चेक करना है कि कितने लोगों ने 100 out of 100 लाया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 100 टाइप करके हाईलाइट कर देंगे तो आपको कलर सीक्वेंस से पता चल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है टेक्स्ट दैट कंटेन। ये टेक्स्ट वैल्यूज के लिए होता है। इसका यूज हम लोग प्रेजेंट, एब्सेंट या फिर नेमिंग वगैरह में यूज करते हैं। तो मैं एक फॉर्मेट लेता हूँ। चलिए ये मेरा एक फॉर्मेट है, इसमें मुझे हाईलाइट करना है टेक्स्ट का वैल्यू को। तो मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ। कि डिपार्टमेंट में देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो रिपीट है। ओके जैसे सीसीडी डिपार्टमेंट है आपका, एडमिन है, फिनांस है, मार्केटिंग है आपका, आरएनडी डिपार्टमेंट है। तो आपको सपोज फिनांस डिपार्टमेंट को इसमें सेलेक्ट करना है, जितने भी फिनांस आपके हैं वो आपको हाईलाइट करना है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएंगे। टेक्स्ट वैल्यू अगर कोई भी होगा अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक, तो हम टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन का यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ फाइनांस। ओके जैसे ही मैं फाइनेंस लिखा, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंस के आपके एंट्रीज होंगे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके इस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी फाइनेंस हैं वो सारे आपके रेड कलर से हाईलाइट हो गए। देन मुझे फाइनेंस की जगह आरएनडी करना है, तो मैं
R&D लिखूंगा तो जितने भी R&D से रिलेटेड आपके एंट्रीज है वो हाईलाइट होगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर आप किसी टेक्स्ट के बेसिस पे इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए ब्रांचेज में जितने भी आपके पटना ब्रांचेज है या आगरा ब्रांचेज है उसको हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी इक्वल टू में मैं गलती से चला गया, मुझे टेक्स्ट में जाना है। ओके टेक्स्ट में जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया पटना, तो पटना जितना भी पटना रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको किसी रेंज में हाईलाइट करना होता है किसी स्पेसिफाइड कलर से, तो आप उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन से हाईलाइट कर सकते हैं। ओके देन हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग मीन्स कि अगर आपके पास कोई डेट लिस्ट है और उस डेट लिस्ट में आपको कोई डेट को हाईलाइट करना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली आपका जो डेट फॉर्मेट होता है वो कुछ डिफरेंट वे में आपको डेट को हाईलाइट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो वो डिफरेंट वेज क्या है वो हम लोग देखते हैं। जैसे आज का जो डेट है वो आपका क्या है 15th of April 2020। ओके देन मैं इसको कंटिन्यू आगे ले जाता हूँ तो ये डेट को ऑटोमेटिक आगे ले जाएगा, देन 23/4/2020। ओके देन मैं इसको आगे ले जाता हूँ और 14 हो गया 14/4/2020, इसको मैं पीछे ले जाता हूँ। तो इस तरह से आपके पास एक डेट का फॉर्मेट है। ओके देन कुछ डेट मैं लेता हूँ प्रीवियस के 1/3/2020 और यहां पर मैं लेता हूँ नेक्स्ट मंथ के 1/5/2020। ओके तो इस तरह से मैंने कुछ डेट स्पेसिफाई किया। देन मैं सेलेक्ट करूंगा इस ऑप्शन को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल, देन डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास डेट का कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको कौन से डेट को हाईलाइट करना है। आप किसी पर्टिकुलर डेट को टाइप नहीं कर सकते याद रखिएगा। ओके देन आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो यस्टरडे कल का दिन, टुडे आज के दिन में जो जो एंट्री हुआ है। जैसे हम लोग जब डेटा रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर डेट मेंशन करना होता है एंट्रीज के साथ, कि सपोज आपको पेमेंट रिसीविंग का एक पूरा डेटाबेस बनाना है या पेमेंट कलेक्शन का आपको एक डेटाबेस बनाना है, उसमें जो जो स्टूडेंट जो जो कस्टमर्स जो आपके डेटर्स थे वो सारे अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं तो आप डेट भी मेंशन करेंगे किस डेट को पेमेंट हुआ है। तो सपोज आपको चेक करना है कि आज के डेट में कौन कौन सा पेमेंट हुआ है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे उसको इजी वे में हाईलाइट कर सकते हैं टुडे करके। ओके देन टुमारो किया हमने, आने वाला दिन, नेक्स्ट डे। ओके देन इसी तरह से दिस वीक करूंगा तो इस वीक का जो भी आपका डेट्स होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके देन आपके पास इसी तरह का बहुत सारा ऑप्शन है, लास्ट मंथ यानी कि इससे पहले वाला जस्ट मंथ यानी कि मार्च का जो डेट होगा वो हाईलाइट होगा, नेक्स्ट मंथ करूंगा तो आने वाला जो मंथ है यानी कि मई मंथ में हाईलाइट हो जाएगा, और दिस मंथ अगर करता हूँ तो इस मंथ के जो भी डेट्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना पेमेंट आपका इस मंथ में कलेक्शन हुआ है, नंबर ऑफ पेमेंट्स के जो एंट्रीज है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ईजी वे में। तो ये आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जो आपको डिफरेंट वेज में अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे आपको सेल को हाईलाइट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। देन हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज की। डुप्लीकेट वैल्यूज का बेसिकली यूज होता है वैसे सेल को हाईलाइट करने के लिए जहां पर डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर कोई डेटा रिकॉर्ड हुआ है और गलती से उस डेटा रिकॉर्डिंग में आपका एंट्रीज जो है वो रॉन्ग है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि कभी कभी डेटा जो होता है वो रिपीट हो जाता है। देन मैं यहाँ पे रोल नंबर सिलेक्ट किया, तो रोल नंबर हर एक कैंडिडेट का अलग अलग होता है, या फिर आप मोबाइल नंबर ले लें या फिर आप एम्प्लॉई आईडी ले लें, आधार नंबर ले लें, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिटेल्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, जो सिमिलर होंगे जो जो सिमिलर नहीं होंगे। ओके देन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल करेंगे, देन डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे हम डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा डुप्लीकेट होगा इट मींस कि वो डेटा जो आपका
रिपीट हो रहा है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका क्या मिस्टेक हुआ है क्या मिस्टेक नहीं हुआ है। बेसिकली ये इसी वर्क के लिए यूज किया जाता है कि अगर मान लीजिए आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी इम्प्लॉयज का आईडी रिपीट तो नहीं हो गया है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर गलती से रिपीट ना हो गया हो, तो मिसमैचिंग को चेक करने के लिए या डुप्लीकेसी को चेक करने के लिए, या फिर आप एक ही एंट्रीज को दो बार परफॉर्म कर दिए हैं तो उसको चेक करने के लिए आप जनरली इस ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने ऐसे सेल हैं जो रिपीटेशन हुए हैं, जो डुप्लीकेट हो गए हैं। ओके, देन हम लोग बात करेंगे टॉप एंड बॉटम रूल्स की। टॉप एंड बॉटम रूल्स का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मैंने ये आपका एक एरिया लिया, ओके, देन इस एरिया में मैंने टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट किया, तो इस रेंज में जितने भी टॉप 10 है वो हाईलाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे मुझे मान लीजिए टॉप 1 चाहिए, तो जो भी टॉप 1 होंगे, तो टॉप 1 मीन्स सबसे हाईएस्ट मार्क्स, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 98 है। देन मैंने टॉप 2 लिया तो उसके बाद 96 है। देन मैंने टॉप 3 लिया तो 95 वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली टॉपर्स को फाइंड कर सकते हैं कि टॉपर्स रेंज क्या है आपका। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं एक टोटल एरिया लेता हूँ और इसके बेसिस में मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि टॉप 3 कौन है, तो जो भी टॉप 3 है वो हाईलाइट हो जाए, तो मुझे टॉप में जाना है और टॉप आइटम्स में सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। आप इस बटन से स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, और ये चेंज करने का ऑप्शन सबके लिए कॉमन है। आप कस्टम में जाएंगे, देन आपके पास फिल ऑप्शन है, कलर चूज करिए, आपके पास फॉन्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट का कलर चूज करिए, और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कलरफुल जिगजैग नहीं करना है, सिंपल फॉर्मेट रखना है आपको। ओके, देन आपको इस तरह से हाईलाइट करना है, तो टॉप 3 हाईलाइट हो गए। सपोज मुझे टॉप 5 देखना है, तो टॉप 5 ले लिया, तो इस तरह से टॉप 5 को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ऑप्शन है, जिसके बेसिस पे आप अपने कंडीशंस को हाईलाइट कर सकते हैं टॉपर लिस्ट के बिहाफ पर। सेम उसी तरह से अगर आपको बॉटम चाहिए, तो आप बॉटम 10 लेंगे। बॉटम 10 आइटम्स का यूज हम लोग करेंगे बैकवर्ड मूव के लिए। देन अगर मैंने 1 लिया, तो इट मीन्स सबसे लोएस्ट वैल्यूज जो होगा वो हाईलाइट होगा। जैसे हमने स्मॉल और लार्ज के बेसिस पे हमने फाइंड आउट करना सीखा था कि हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, देन फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, तो उसी तरह से हम लोग इसके बेसिस पे हाईलाइट कर सकते हैं उस वैल्यू को। ओके, चलिए, देन आपके पास यहाँ पर होता है ऑप्शन, मैं परसेंटेज वाला ऑप्शन जस्ट बता रहा हूँ, अबव एवरेज बिलो एवरेज। इसका वर्क क्या होता है अबव एवरेज और बिलो एवरेज का, इट मीन्स कि अगर आपने कोई वैल्यूज लिया है, ओके, देन इस वैल्यूज के बेसिस पे अगर हम लोग, सपोज मैंने ये 5 वैल्यू लिया और मैंने यहाँ पे एवोब एवरेज कर दिया, तो जैसे ही मैंने एवोब एवरेज किया, तो इट मींस कि इसका जो एवरेज है वो 69.8 है। ओके, तो 69.8 से जो भी हाईएस्ट वैल्यूज होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देन मैंने फिर से इसमें गया और बिलो एवरेज ले लिया, तो बिलो एवरेज अगर लिया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 69.8 से जो भी कम वैल्यू है वो सेलेक्ट हो गया। तो अबव एवरेज मींस कि आपका जो नंबर रेंज सेलेक्ट है उसका एवरेज वैल्यू क्या है। ओके, इसको मैं और एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। जैसे मैं यहाँ पे 5 वैल्यू लेता हूँ, ओके, देन इस 5 वैल्यू का मैं यहाँ पे एवरेज निकाल रहा हूँ, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, देन आपको इसको सिलेक्ट करना है, आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे, तो आपका एवरेज कितना आया, 30 आया। ओके, देन मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑप्शन में मैं गया टॉप 10 आइटम्स में और एवोब एवरेज किया, तो जैसे ही मैं एवोब एवरेज किया, देखिए एवरेज कितना है, 30, तो 30 से ज्यादा वाला जितना भी नंबर है वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ऑल राइट, देन मुझे बिलो एवरेज करना है, तो मैं फिर से ऑप्शन पर गया और मैं बिलो एवरेज को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। तो बिलो एवरेज में मैं दूसरे कलर को ले लेता हूँ, देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवोब एवरेज और बिलो एवरेज ऑटोमेटिक कैटेगराइज हो गए। तो उसी तरह से कोई भी नंबर वैल्यू आप सिलेक्ट करते हैं, तो जो भी आपका एवरेज होगा इन नंबर्स का, उस नंबर्स के बेसिस पे अगर हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, देन आप नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो आपका एवरेज वैल्यू आया 59.7। अगर मुझे बिलो एवरेज का जो भी वैल्यूज है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, देन बिलो एवरेज ले लूंगा, तो देखिए 59 पॉइंट से जो भी लेस देन है वो सारा वैल्यूज आपका हाईलाइट हो गया, आपका सेलेक्ट हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप
एबव एवरेज और बिलो एवरेज का यूज करते हैं। देन आपके पास परसेंटेज ऑप्शन होता है, टॉप 10 और बॉटम 10%। तो इसका क्या रोल है, तो मैं आपको इसके लिए सीरीज बनाना पड़ेगा हमें। तो सीरीज बनाने के लिए मैंने बताया था आपको, ओके इस तरह से ड्रैग करिए फिल सीरीज, देन इसको मैं यहाँ पर 11, ओके देन 11 के बाद आपका 21, इस तरह से मैं नंबर लूंगा। इसको मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करना पड़ेगा। देन इसको मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ 91 तक, और मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से फिल सीरीज कर दीजिए, सॉरी फॉर दैट। आपको एक एंट्री करना होगा यहाँ पर इस तरह से, सिंपली ड्रैग करिए, ड्रैग करके आपको क्या करना है, फिल सीरीज कर देना। ऑल राइट, तो बहुत ही इजी ऑप्शन है, सिंपली ड्रैग करिए, ड्रैग करके फिल सीरीज कर दीजिए। तो इतना सीरीज आपका बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं ताकि आपका पूरा कंप्लीट सीरीज रेडी हो जाए। ओके देन आपके पास यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का नंबर्स लिखा हुआ है, इस तरह से नंबर आप सीरीज मोड पे बना लिए। ओके देन मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि टॉप 10 निकालूं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और टॉप 10 ले लिया। तो टॉप 10 मीन्स कि हाईएस्ट टॉप 10। तो देखिए हाईएस्ट टॉप 10 का वैल्यूज क्या होगा, 91 to 100। तो 91 to 100 का जो वैल्यूज है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके इसी तरह से अगर आपका कोई भी वैल्यू होगा तो उसका जो टॉप 10% वैल्यू होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। ओके तो ये 100 नंबर्स के बेसिस पे वैल्यूज को इवेल्युएट करता है, परसेंटेज के बेसिस पे वैल्यूज को इवेल्युएट करता है। उसके बेसिस पे जैसे मुझे टॉप 5 चाहिए, तो टॉप 5 का जो वैल्यू होगा उसके बेसिस पे वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से आप टॉप 5, टॉप 3, टॉप 20% वैल्यूज के बिहाफ पर कैलकुलेट करके उसको शो कर सकते हैं। ओके देन बिलो एवरेज, बिलो बॉटम 10% करूंगा, तो बॉटम मतलब बैकवर्ड साइज से, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपका परसेंटेज को कैलकुलेट करके वो उस सेल को हाईलाइट करेगा। तो इस तरह से आपके पास मेन ऑप्शन होता है हाईलाइट सेल रूल, जिसमें ग्रेटर देन आप चूज करते हैं, इतना नंबर जो भी नंबर स्पेसिफाई करेंगे उससे ज्यादा, देन लेस देन जो नंबर स्पेसिफाई करेंगे उससे कम, बिटवीन दो नंबर्स के बीच का वैल्यूज, इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, टेक्स्ट दैट कंटेंट टेक्स्ट वैल्यू के लिए यानी कि अल्फाबेटिकल वैल्यू के लिए, डेट ऑकरिंग जो भी डेट से रिलेटेड टुमारो टुडे यस्टरडे ये सब वैल्यूज को, डुप्लीकेट जो वैल्यूज रिपीट हो गए हैं उनको आपको चेक करना है कि कौन कौन से वैल्यूज रिपीट हो गए हैं या डुप्लीकेट हो गए हैं, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। देन टॉप 10 आइटम 3, 4, 5, टॉप 10 में आप टॉप 3, टॉप 1, टॉप 100, टॉप 50 कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो बस एक बेसिक ऑप्शन लिखा हुआ है टॉप 10, इट मीन्स कि टॉप पर कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 4 टॉप जितना परसेंटेज के बेसिस पे, देन बॉटम, देन परसेंटेज, देन अबव एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज के बेसिस पे ये कैलकुलेट करता है। ओके देन मुझे इसका ग्राफ शो करना है, मुझे इस वैल्यूज का ग्राफ शो करना है। देन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, देन मैं ऑप्शन पे जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, देन मैं डेटा बार लूंगा और कोई भी कलर में स्पेसिफाई करूंगा, तो जो वैल्यूज जितना वेट रखता है उसके बेसिस पे उसका ग्राफ विद इन सेल ही क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम इस तरह के ग्राफ को, चार्ट को बनाना सीखेंगे, तो ये डायरेक्ट चार्ट होता है जो एक्सेल आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, ग्राफिंग उसका शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। जिसका वैल्यूज जितना ज्यादा होगा उसका ग्राफ स्केल उतना बड़ा होगा। ओके देन आपके पास इसके लिए डिफरेंट कलर्स है, आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं किस कलर से आपको हाईलाइट करना है। ओके चलिए देन हम लोग आगे जाएंगे डेटा बार स्केल्स, डेटा बार में, डेटा बार ये हो गया, कलर रेंज में जाएंगे तो सेम चीज है, कलर स्केल के बेसिस पे शो करेगा। देन आपके पास आइकन सेट होता है, आइकन सेट का बेसिकली काम क्या होता है, देखिए इसको मैं क्लियर कर दूं पहले, डेटा बार समझ में आया, जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके अंदर ही आपका ग्राफ शो करेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर। देन अगर कलर स्केल में जाता हूँ तो वही चीज को वो एक कलर रेंज के बेसिस पे शो करेगा, इतना वैल्यूज हाईएस्ट कलर को, और डार्क जो वैल्यूज है वो आपका ग्रीन, तो वो हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहा है। देन जैसे जैसे लाइट होता जा रहा है, इट मीन्स की कलर वैल्यूज आपका लाइट हो रहा है, मीन्स की वैल्यूज कम हो रहा है, देन आपका रेड में शिफ्ट हो जाएगा येल्लो से होते हुए। ओके देन आपके पास आइकन सेट होता है, आइकन सेट भी इसी तरह के कुछ वैल्यूज को शो करता है, जो ग्रीन एरो आपका दिख रहा है अबव
शो कर रहा है, इट मींस कि आपका वैल्यूज रेंज गुड है। देन एवरेज रेंज को आपका येलो मार्क शो कर रहा है और डाउन आपका रेड को शो कर रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स वगैरह वैल्यूज को या फिर अपने सेल्स वैल्यूज को, अपने प्रॉफिट वैल्यूज को आप इंडिकेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या एवरेज पे जा रहा है। तो उसके बेसिस पे आप अपने वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं आइकन्स के बेसिस पे। देन नेटवर्क रेंज के बेसिस पे अगर आपको डेटा स्पेसिफाई करना है, आपको लैप है जैसे रेसिंग वगैरह होता है या फिर रनिंग रेस है, मैराथॉन्स है, तो उसमें आपको लैप लैप्स होते हैं कि कितने राउंड आप मूव करेंगे, कितने राउंड आप रन करेंगे। तो उसके बेसिस पे अगर आपको फ्लैग के मोड पे उस वैल्यूज को दिखाना है कि आपका हाईएस्ट है, आपका मिडिलेस्ट है या फिर आपका लोवेस्ट है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये था आपका ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली कंडीशंस के बेसिस पे डेटा रेंज को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आप डिफरेंट नंबर्स या फिर आप टेक्स्ट वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं एज पर योर कंडीशन। ओके, देन क्लियर रूल में जाएंगे, इंटायर शीट को करेंगे। देखिए इसका भी ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे मैं इतना को ही केवल रिमूव करना चाहता हूँ, तो इतना सेलेक्ट करके मैं क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल करूंगा तो केवल उतने सेल में ही रिमूव होगा। और मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हूँ, मैं सबको हटाना चाहता हूँ, तो मैं इंटायर को लूंगा, इंटायर से क्या होगा, वन टाइम में सारा रिमूव हो जाएगा जितने भी एरियाज में अवेलेबल होगा। ओके, ऑलराइट, चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। देन हम नेक्स्ट जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे। ओके, चलिए, तो दूसरे ऑप्शन के लिए मुझे फॉर्मेट लेना होगा एक। कौन सा फॉर्मेट मुझे लेना होगा इसके लिए? ये फॉर्मेट, हाँ ये फॉर्मेट सही है, चलिए इस फॉर्मेट को मैं ले लेता हूँ। ओके, देन मुझे क्या करना है, अपने पूरे एरियाज को सिलेक्ट करना है। देन मैंने ये एरिया पूरा सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज डेटा बनाए हैं, उसके सैलरीज के 100 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एम्प्लॉयज हैं जिसका डेटाबेस मैंने रिकॉर्ड किया। ओके, तो इस डेटाबेस को मैं फॉर्मेट एस टेबल में चेंज कर रहा हूँ, और फॉर्मेट एस टेबल में चेंज करने का पर्पस क्या होता है और इसको किस लिए यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, देन फॉर्मेट एस टेबल लेके कोई भी आप फॉर्मेट का कलर चूज कर लीजिए, जिस कलर से आपको स्पेसिफाई करना है उस फॉर्मेट को, अपने टेबल को। देन हम क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा माई टेबल हैज हेडर्स, इट मीन्स कि आप जो टेबल एरिया सेलेक्ट किए हैं उसमें पहले से हेडिंग्स अवेलेबल है या नहीं। तो आपके पास हेडिंग्स ऑलवेज अवेलेबल होता है या फिर अगर नहीं है तो ये टिक नहीं करना है, लेकिन मेरे पास तो हेडिंग अवेलेबल है तो मैं टिक रखूंगा। और अगर आपके पास हेडिंग नहीं है, सपोज आपने डायरेक्ट 75 सूरज ये सबसे स्टार्ट किया था और आपने हेडिंग्स एम्प्लॉय कोड फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लिखा था, तो आपको इसको टिक हटाना होगा, तो आपको वो प्रोवाइड करेगा एरिया जिसमें आप लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो टिक रखेंगे, प्रेजेंट नहीं है तो टिक नहीं रखेंगे। डन, ओके करेंगे, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। जैसे ही मैं फॉर्मेट चेंज कर दिया, आपके पास ऑप्शन आया डिजाइन का। ठीक है, तो डिजाइन का ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तो इसका बेसिकली काम क्या हुआ कि ये सबसे पहले तो आपके डिजाइन को चेंज कर दिया, पूरा फॉर्मेट का कलर लुक वगैरह सारा चेंज हो गया। आप कोई भी कलर यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं बाद में भी, चलिए ये कलर रखता हूँ लाइट ताकि आपको दिखे बेहतर। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक मार्क शो कर रहा है हर एक फील्ड के नेम पर, ये फील्ड नेम होता है, इसको हम लोग फील्ड नेम बोलते हैं। तो हर एक फील्ड नेम के पास आपका एक मार्क बना हुआ है, जिस मार्क को बोलते हैं फिल्टर एरो। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर एरो। देन आपको फिल्टर किसको करना होता है और फिल्टर क्यों करते हैं। ओके, तो फिल्टर मतलब सिंपली क्या होता है, छाटना, स्पेसिफाई करना। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास 10 डेटा है, 10 डेटा में से मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर डेटा को आप स्पेसिफाई करिए। सपोज सपोज स्कूल का डेटा ले लेते हैं, स्कूल में मान लीजिए 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, तो मैंने बोला कि फिफ्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उसका मुझे एक डेटा चाहिए। इट मीन्स कि हम सारे क्लासेस में से फिफ्थ क्लास का डेटा को क्या कर रहे हैं, छांट रहे। तो इसके लिए हम लोग को फिल्टर करना होता है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे फिल्टर उसी को करते हैं जो रिपीटेशन होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज होते हैं। ओके, तो हम लोग के पास सपोज फिल्टरिंग ऑप्शन है और हम लोगों को फिल्टर करना है। तो सपोज जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो कैलकटा में वर्क करते हैं उसको हमको हाईलाइट करना है, जितने भी है एम्प्लॉयज जो दार्जिलिंग में वर्क करते हैं उसको हमको फिल्टर करना है। तो फिल्टर बेसिकली उसको कैटेगराइज करके आपको इनपुट देगा। देन हम लोगों को फिल्टर एरो पे क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस को हटा देंगे। ओके, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को हटा दिए, इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा। देन सेलेक्ट ऑल ऑप्शन हटा के मैंने सेलेक्ट किया सपोज कैलकटा।
और ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया, देखिए ये सारे लिस्ट को क्या किया, हाइड कर दिया, और मेरे पास एक स्पेसिफिक लिस्ट आ गया जिसमें केवल वो एम्प्लॉयज के डेटा है मेरे पास जो कैलकटा पे वर्क करते हैं। सिमिलरली मुझे ब्रांच को कैलकटा से शिफ्ट करना था चेन्नई में, जितने भी चेन्नई के एम्प्लॉय मुझे वो देखना है। देन मैंने ओके कर दिया, तो जितने भी चेन्नई चेन्नई में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसका लिस्ट मेरे पास आ गया कि 81 नंबर एम्प्लॉयज है तारा, और काटी जो है वो आपका 57 नंबर है जो वर्क करते हैं, जो सीसी डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में है। देन मैं फिर से इस पर क्लिक किया, मुझे आगरा का और बैंगलोर दोनों का देखना है। ओके, तो मैं एक बार में दो भी ले सकता हूँ, एक बार में एक भी ले सकता हूँ, मल्टीपल भी ले सकता हूँ, सिंगल भी ले सकता हूँ। देन ओके कर दूंगा, तो जो भी मेरा स्पेसिफाइड जो फिल्टर्ड डेटा होगा उस डेटा को ये शो करेगा। ओके, तो ये आपको फॉर्मेटस टेबल कलर स्पेसिफिकेशन के साथ साथ, कलर लुक के साथ, डिजाइन के साथ साथ आपको फिल्टर ऑप्शन भी प्रोवाइड करके देता है, जिससे आप अपने डेटा को कैटेगरीज कर सकते हैं, आपके डेटा को स्पेसिफाइड फॉर्मेट में फाइंड करके आप उसको एक रिपोर्ट के तौर पे बना सकते हैं। ऑलराइट, देन हम लोग डबल फिल्टर भी यूज करते हैं। डबल फिल्टर मींस कि आपने यहाँ से फिल्टर किया, ये फिल्टर देखिए चेंज हो गया। ओके, देन मुझे आगरा और बेंगलोर में केवल देखना है कि जितने भी आपके R&D डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में है केवल उसी का लिस्ट चाहिए। तो मैं डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा, सेलेक्ट ऑल को हटा दूंगा और R&D और सेल्स वाले को सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। ओके, देन अब आपके पास डबल फिल्टर हो गया, एक तो मैंने ब्रांच स्पेसिफाई किया, एक मैंने डिपार्टमेंट भी स्पेसिफाई कर दिया कि वैसे ही इम्प्लॉयज की मुझे लिस्ट की जरूरत है जो केवल R&D डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में आगरा और बेंगलोर पे वर्क करते हैं। तो इस तरह से आप डेटा को तुरंत फिल्टर कर सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना अवेलेबल हो। तो ये फिल्टर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इसको अच्छे से यूज करिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर सकूं। और बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन थोड़ी देर वीडियो देख के आप शायद उसको क्लोज कर देते हैं। ओके, बट मुझे नहीं लगता है कि अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और आप उसको क्लोज कर देते हैं तो आपको कोई बेनिफिट होगा। या तो आप वीडियो को पूरा देखें या तो वीडियो को आप उस तरह से ना देखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप केवल अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, देन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सीखना, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को जरूर देखें, और उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ऑल नो एजुकेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इसको गेन करना, लोग तुरंत ही बोर हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग गेम वगैरह या फिर कोई एड है या फिर कोई कॉमेडी चीज़ है तो उन सब चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रखता है। तो जो आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा रिलेवेंस रखता है आप उसमें ज़्यादा फोकस करें, आप हर चीज़ को देखें, हर चीज़ को करें, लेकिन जो पहला आपका प्रेफरेंस है आप उसको ज़रूर यूटिलाइज करें। ओके, चलिए तो हम लोग देखेंगे अब इसका और एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो जैसे ही मैं टेबल ऑप्शन अप्लाई किया, मेरे पास डिज़ाइन का एक ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक स्टाइल ऑप्शन होते हैं। ओके, फिल्टर बटन है, यहाँ से फिल्टर बटन शो हाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन शायद आपके एक्सेल में अवेलेबल ना हो। ओके, क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है इसलिए मुझे ये शो कर रहा है। देन आपके पास हेडर हेडर रॉ और आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको हेडर रॉ रखना है या आपको हेडर रॉ नहीं रखना है। तो आप यहाँ से हेडर रॉ को शो हाइड कर सकते हैं। देन टोटल रॉ का ऑप्शन होता है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ओके, देन टोटल रॉ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास नीचे में क्या होगा, एक टोटल ऑप्शन आ जाएगा। मैं अब क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने एडमिन का डेटा को फिल्टर किया, जैसे ही मैंने एडमिन का डेटा को फिल्टर किया तो एडमिन का डेटा आया, साथ में उसका वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ कि हम एडमिन डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितना दे रहे हैं। इट मींस कि अगर आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, आपको सम टोटल भी करना है, तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप फॉर्मेटस टेबल की हेल्प से फिल्टर्ड डेटा का आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको कोई भी फॉर्मूला पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये केवल सम को फाइंड करके नहीं देता है, ये कुछ और फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको एडमिन में सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है। तो जैसे ही मैंने मैक्स
21,000 आप एडमिन में सबसे हाईएस्ट सैलरी पे कर रहे हैं, देन आपको लोएस्ट चेक करना है, देन मिनिमम 7,000 सैलरी आप पे कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं फिल्टर्ड डेटा का बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पे टोटल अगर आप हटा देंगे तो आप कोई भी डेटा फिल्टर करेंगे तो आपके पास टोटल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आप टोटल पे क्लिक कर देंगे तो जो भी डेटा आप फिल्टर करेंगे आप यहाँ से उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इसको अच्छे से यूज करेंगे। देन इसको फिर से नॉर्मल करने के लिए हम लोगों को फॉर्मेट एज टेबल को हटा देना है। ओके, देन आपके पास सिंपली ऑप्शन होगा, कोई भी एक सेल पे क्लिक करिएगा और आपके पास ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू रेंज का, कन्वर्ट टू रेंज करके यस कर दीजिएगा, आपका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसका जो फॉर्मेट है वो आपका चेंज नहीं हुआ है, वो नॉर्मल नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करिएगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप क्लियर ऑप्शन पे जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो जितना भी फॉर्मेटिंग होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। देन मैं इसमें सिंपल सा बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ और मैं इस ऑप्शन को थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ओके, इस तरह से आप ऑप्शन को हटा सकते हैं। मैं फिर से बैक करता हूँ, कंट्रोल जेड से आप बैक कर सकते हैं। तो मुझे सिंपली करना क्या था, हटाने के लिए मुझे किसी भी सेल पे क्लिक करना है, डिजाइन ऑप्शन पे जाना है, देन आपको कन्वर्ट टू रेंज करना है और यस कर देना है, आपका नॉर्मल हो जाएगा। देन आपको कंट्रोल ए करना है, ये सारे सेल को सिलेक्ट करेगा, होम मेन्यू में आपके पास क्लियर ऑप्शन होता है, क्लियर फॉर्मेट करिएगा, जितने भी डिजाइन है वो सारे हट जाएंगे। देन आपको सिंपल रखना है तो बॉर्डर आप रख सकते हैं और हेडिंग को आप हाईलाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये सिंपल फॉर्मेट में चेंज हो गया। ओके, देन आपके पास सेल स्टाइल ऑप्शन है। सेल स्टाइल मींस कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेल का अगर आपको डिजाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से सेल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से डिफरेंट टाइप का डिजाइन है, जैसा आपको प्रीव्यू दिखा रहा है उसके बेसिस पे वो सेल को डिजाइन करके, टेक्स्ट को डिजाइन करके आपको शो कर देगा। ओके, ये ऑप्शंस को आप यहाँ से डिफरेंट वेज में भी कर सकते हैं, वो आपको कुछ ऑप्शंस रेडीमेड प्रोवाइड किया है जिससे आप डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। ओके, देन आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन होता है। तो इंसर्ट में मेरे पास चार ऑप्शन है, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रॉ, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसर्ट रॉ को। जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ रॉज है, सपोज मुझे 70 के जस्ट ऊपर में एक डेटा लिखना है, तो मैं 7 वाले को यहाँ पे ब्लैंक करना चाहता हूँ ताकि मैं ये डेटा यहाँ पे मेंशन कर सकूँ। देन मैं 7 पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊंगा और इंसर्ट रॉ पे क्लिक करूंगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक रॉ इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मुझे 12 नंबर रॉ खाली करना है, तो मैं 12 नंबर रॉ पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट शीट रॉ करूंगा। तो जैसे ही मैं इंसर्ट शीट रॉ करता हूँ, जो आपका रॉ सिलेक्टेड होगा वो ब्लैंक हो जाएगा और उस रॉ के डेटा को वो नीचे शिफ्ट कर देता है। ओके, तो इस तरह से आप रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर एक से ज्यादा रॉ इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करूंगा, सपोज मुझे 18-19 दोनों को खाली करना है, तो मैं 18-19 दोनों को सिलेक्ट करूंगा और ऑप्शन पे जाके इंसर्ट रॉ करूंगा, तो मुझे दो रॉ वो प्रोवाइड करेगा, एक्सेल दो रॉ प्रोवाइड करेगा, दो न्यू रॉ। ओके, देन उसी तरह से कॉलम ऑप्शन है। अगर मुझे सपोज डी कॉलम के प्लेस पर कोई डेटा लिखना है तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और मैं इंसर्ट शीट कॉलम करूंगा, तो डी कॉलम मेरा शिफ्ट हो जाएगा, खाली हो जाएगा और वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो कभी भी आप रॉ इंसर्ट करें तो रॉ हमेशा सेलेक्टेड सेल को डाउन में शिफ्ट करता है, और कॉलम इंसर्ट करेंगे तो सेलेक्टेड डेटा को राइट में शिफ्ट करेगा। तो उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको इंसर्ट रॉ और इंसर्ट कॉलम यूज करना है। तो उसी चीज को आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, सपोज बी वाले कॉलम को खाली करना है तो राइट क्लिक करिए, इंसर्ट कर दीजिए, डायरेक्ट यहां से भी होगा, वही ऑप्शन को आप यहां से भी कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे रॉ को चेंज करना है तो मैं रॉ सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट रॉ कर दूंगा, तो आप यहां से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वही ऑप्शन आप वहां से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो सेम ऑप्शन है। देन सिमिलर डिलीट ऑप्शन है, अगर आपको कोई रॉ डिलीट करना है तो पहला ऑप्शन, अगर इसको डिलीट करना है तो मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, देन डिलीट शीट रॉ करूंगा, तो डिलीट शीट रॉ हो गया। इस कॉलम को डिलीट करना है, देन डिलीट शीट कॉलम करूंगा, डिलीट शीट कॉलम हो जाएगा। सिमिलरली इस कॉलम को डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन पे जाके
यहां से भी कर सकते हैं। देन इंसर्ट शीट मैंने बताया था, इस प्लस ऑप्शन से आप इंसर्ट कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस F11 होता है इंसर्ट न्यू शीट का शॉर्ट की। देन डिलीट करना होगा तो आप यहां से डिलीट करेंगे या फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। ओके चलिए, देन हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट का बेसिकली यूज होता है आपके शीट के फॉर्मेटिंग को चेंज करना, आप अपने शीट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज कर सकते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है रॉ हाइट। रॉ हाइट मींस कि आपके पास ये रॉज बना हुआ है, ठीक है, आपको अपने रॉ का हाइट को थोड़ा इंक्रीज करना है। तो मुझे 1 से लेके 5 तक के रॉ को हाइट को इंक्रीज करना है, तो मैं सिलेक्ट किया, ऑप्शन पे गया, रॉ हाइट ले लिया, देन 14 लिखा हुआ, मुझे 50 चाहिए। तो जैसे ही मैं 50 लिया, देखिए 1 से लेके 5 तक का रॉज का जो हाइट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। सिमिलरली मुझे डी और ई कॉलम के वेथ को चेंज करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, कॉलम वेथ ऑप्शन पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे जैसे 30 रखना चाहता हूँ साइज, तो दोनों का साइज 30 हो गया। तो इस तरह से आप रॉ और कॉलम के साइज को स्पेसिफाई कर सकते हैं रॉ हाइट से और कॉलम विड्थ से। ऑटो रॉ हाइट करेंगे तो जितना साइज बाय डिफॉल्ट होना चाहिए वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा ऑटो रॉ हाइट करने से। और ऑटो कॉलम विड्थ करेंगे तो आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑटो कॉलम विड्थ क्या करता है कि वो ऑटोमेटिक सेट तभी करेगा जब टेक्स्ट टाइप्ड होगा। जैसे कि अभी मैं ऑटो फिट कर रहा हूँ तो ये देखिए कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ और उसके बाद मैं ऑटो फिट यहाँ पे करता हूँ, तो ये क्या करेगा, उस टेक्स्ट के बेसिस पे वो ऑटोमेटिक उसको रिडिफाइन कर लेगा कि उसको कितना साइज चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाकिब वारसी। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट किया, देन मैं ऑप्शन पे गया और यहाँ से मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दिया। तो देखिए इसके नेम के बेसिस पे ऑटोमेटिक ले लिया। मैं यहाँ पे अपना नेम टाइप करता हूँ। ओके, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं ऑप्शन पे गया, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दिया, तो ये इसके बेसिस पे साइज को स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर आपको कैरेक्टर टेक्स्ट के बेसिस पे साइज स्पेसिफाई करना है कॉलम का, तो आप डायरेक्ट ऑटो फिट पे जाके क्लिक कर देंगे, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, उस सेल के साइज के अकॉर्डिंग वो खुद सेट कर देगा। ओके, देन आपके पास ऑप्शन होता है हाइड एंड हाइड का, बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कभी। चलिए रीनेम शीट होता है। रीनेम शीट मींस कि अगर आपको कोई शीट का नेम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे शीट 2 लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ शीट है जिसमें मैंने नेम लिखा है, इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, अटेंडेंस, देन शीट 1। तो शीट का नेम बेसिकली इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर आप अपने वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स बनाए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस शीट के अंदर कौन सा फाइल है। जैसे मैंने यहाँ इनवॉइस 1 लिखा, इट मींस कि इसमें इनवॉइस 1 होगा, मैंने इनवॉइस 2 लिखा, इट मींस इसमें दूसरा इनवॉइस होगा, मैंने इसमें अटेंडेंस लिखा, इट मींस मैंने इसमें अटेंडेंस बनाया है। तो आप जिस फाइल को मेंटेन कर रहे हैं अपने वर्कशीट में, आप उससे रिलेटेड उसका नेम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होम मेन्यू। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, शीट पे डबल क्लिक करना है और आपको जो भी नेम लिखना है वो आप नेम वहां पे लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप ऑप्शन पे जाएंगे, रीनेम करेंगे तो सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो सेम ऑप्शन। उसके बाद आपके पास मूव और कॉपी होता है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। टैब कलर है। टैब कलर मींस कि अगर आप कोई भी कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, देखिए ये इसका कलर को चेंज कर दिया, देन यहाँ से मैंने टैब कलर लिया, इसको हल्का लाइट ब्लू कर दिया, देन ये चेंज हो गया। देन अटेंडेंस शीट लिया, इसको सपोज मुझे ग्रीन कलर रखना है, मैं इसको ग्रीन कर दिया। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, जो इंडिकेट करेगा कि जैसे आपको ग्रीन जो है वो वर्क हो गया है, रेड जो है वो अभी आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आपका लाइट ब्लू सियान कलर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि वो आउटर एरिया से ही आपको पता चले कि किस पर्पस के लिए वो कलर दिया हुआ है। ओके, देन मेरे पास प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन होता है। प्रोटेक्ट शीट में आप जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड मैंने डाल दिया, देन पासवर्ड मैंने डाल दिया, उससे क्या होगा, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉक हो गया। आप जब डिलीट बटन प्रेस करेंगे, मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये डिलीट नहीं होगा, ना ही आप कुछ वर्क कर सकते हैं। आप टाइप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आप कोई भी ऑप्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ों को ऑफ कर देता है, यानी कि आपका शीट प्रोटेक्ट हो गया है, कोई इस पर चेंजेस नहीं कर सकता है। देन अनप्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे,
और ओके करेंगे तो दोबारा से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है, आपको यहाँ से प्रोटेक्शन अप्लाई करना है। जब भी आप प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको टिक को हटा देना है, कोई भी ऑप्शन टिक नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज का आप स्पेशली ध्यान दें। तो आपके सीट पे कोई भी वर्क नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा, आपका फुल्ली प्रोटेक्टेड होगा। देन आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आप उसको वापस से अनप्रोटेक्ट कर सकते हो वर्क करने के लिए। ओके, चलिए फॉर्मेट सेल ये हमने देखा था ऑप्शन, इसको पढ़ेंगे हम आगे और डिटेल्स में। देन ऑटो सम मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑटोमेटिक कैसे हम लोग डेटा को इवेल्युएट करेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिया, ओके, और मुझे सारे नंबर को कैलकुलेट करना है, तो ऑटो सम के ऑप्शन में कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे सम किया तो देखिए ये ऑटोमेटिक फंक्शन टाइप कर दिया और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। देन उसी तरह से मुझे हाईएस्ट निकालना है तो मैं मैक्स यूज करूंगा, तो ये डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर देता है, आपको टाइप करने का कोई भी जरूरत नहीं होता है। तो कुछ बेसिक फंक्शन है, जैसे कि आपका बेसिक पांच फंक्शन है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मीन। मोर फंक्शन में आप जाएंगे तो आपको फॉर्मूला खुद से टाइप करना होगा, तो ये धीरे धीरे हम सीखेंगे। देन आपके पास फील ऑप्शन होता है, ये भी हम आगे देखेंगे कि फील का कैसे यूज करते हैं, ये ऑप्शंस को ध्यान से समझेंगे हम आगे, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा फील के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन है उसमें। देन क्लियर को समझ लेते हैं, क्लियर का हम लोग बेसिकली यूज क्या करते हैं, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसमें मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, और देखिए कुछ फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया, कलर वगैरह कुछ ऐड कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, देखिए तो क्लियर ऑल सारे को रिमूव करेगा, चाहे जो टेक्स्ट हो या डिजाइन हो या एवरीथिंग जो भी पुट होगा सेल पे। देन उसके पास फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मींस कि जो डिजाइन आपने अप्लाई किया है केवल वो डिलीट होगा, वो रिमूव होगा, लेकिन जो टेक्स्ट आपने टाइप किया था वो एज इट इज ही रहेगा। ओके, देन आपके पास ऑप्शन होता है क्लियर कंटेंट का, क्लियर कंटेंट मींस जो आपने टाइप किया है वो आपका रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो आपने डिजाइन अप्लाई किया है वो रिमूव नहीं होगा। ओके, तो डिजाइन रह गया और टेक्स्ट आपका रिमूव हो गया। चलिए मैं बैक करता हूँ, कंट्रोल जेड से मैं बैक कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है क्लियर कमेंट का, तो कमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई सेल है, सपोज मैंने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया, ठीक है, तो टोटल मैंने कैलकुलेट किया, तो ये जो टोटल है ये आपका सम करके आया है जो इस सारे नंबर्स को ऐड किया हो, तो मुझे इसमें कमेंट ऐड करना है, तो कमेंट करने के लिए शिफ्ट प्लस F2 की होता है, शिफ्ट F2 करेंगे तो आपके पास कमेंट का एक बॉक्स खुलेगा, और कमेंट बॉक्स में मैंने लिख दिया यहाँ पे सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया इम्पॉर्टेंट, ओके, देन बाहर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप इसके ऊपर पॉइंटर रखेंगे ये आपको हाईलाइट करेगा, पॉइंटर बाहर रहेगा वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, देन जैसे ही पॉइंटर आएगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, पॉइंटर बाहर जाएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। तो कमेंट बेसिकली इम्पॉर्टेंट की नोट की तरह होता है जो आप किसी स्पेसिफिक सेल पे अप्लाई करते हैं शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करके, और उसके बेसिस पे आप अपने बेसिक इंफॉर्मेशन को, इम्पॉर्टेंट की नोट को आप उसमें लिख कर रख सकते हैं, जो उसको इंडिकेट करेगा कि ये किस पर्पज के लिए है या ये रिजल्ट कैसे इवेल्युएट हुआ है। ओके, देन अगर इसको आपको रिमूव करना है तो आपको क्लियर में जाके क्लियर कमेंट करना होगा, कमेंट जब भी करेंगे तो रेड कलर का मार्क बनेगा, देन क्लियर कमेंट कर दीजिएगा तो वो मार्क हट गया, पॉइंटर यहाँ पे लाएंगे तो वो शो नहीं करेगा, तो शिफ्ट F2 कमेंट के लिए। देन आपके पास क्लियर हाइपर लिंक होता है, अगर आप लिंक बनाएंगे तो आप हाइपर लिंक को रिमूव कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर हमने देखा था फॉर्मेटेस टेबल में, सिमिलर उसी तरह से, और फाइंड में आपके पास डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है, तो फिल और शॉर्ट एंड फिल्टर थोड़ा सा और मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, फील ऑप्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड रिप्लेस। देन हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शन के बारे में और डीप सीखेंगे, मूव और कॉपी के बारे में सीखेंगे, और हम हाइड एंड हाइड के बारे में सीखेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो में मैं ये सारा कवर कर दूंगा, बहुत बड़ा रिलेवेंस नहीं है इसका। ओके, तो बेसिकली आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सबसे ज्यादा यूज करना है, आपको इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन को यूज करना है, फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन आप यूज करेंगे, देन फॉर्मेट में ये सारे ऑप्शंस को आप यूज करके चेक करेंगे और क्लियर ऑप्शन को आप यूज करके चेक करेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना काफी है, तो आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करें, और इससे रिलेटेड और एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ होम मेन्यू की, तो आप उसको जरूर देखें।
सो थैंक यू वेरी मच। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी पढ़ सकें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।